लंबा समय नहीं है, उनको देश की जनता सचेत कर देगी। हम सब लोग CAA, NRC, NPR के खिलाफ में लगे हुए हैं। सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। CAA और NRC को लेकर कहीं धरना हो रहा है विरोध में, तो कहीं समर्थन हो रहा है विरोध में। धरना प्रदर्शन पटना के सब्जी बाग में हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी बाग में धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आज आए थे उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने क्या कहा इस धरने प्रदर्शन में आकर, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में ही और यहाँ से बहुत दूर नहीं, बगल का प्रदेश है उड़ीसा। उड़ीसा के एक मंदिर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ स्वाभाविक है मंदिर में यात्रा करने कोई गया होगा वो हिंदू ही होगा, मुसलमान नहीं होगा। तो मंदिर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जाता है, उस मंदिर की एक खास जगह पर उसको नहीं जाने दिया जाता है, पहले ही रोक दिया जाता है। उस व्यक्ति का कोई और गुनाह नहीं, वह व्यक्ति दलित है और कोई ऐरा गहरा इधर उधर का गांव का कोई दलित नहीं है, वह व्यक्ति और कहीं नहीं, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है। लज्जा आती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं भी 4.5 साल भारत सरकार में मंत्री था। अब भारत सरकार में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, यह तो कभी सपना में भी हमने नहीं सोचा था। बड़ी बेशर्मी से कहते हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे शासन काल में NRC पर कोई चर्चा नहीं हुई। और गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में बेंच को ठोक कर कहते हैं कि सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल में नहीं, देश भर में NRC लागू करने का काम हम करेंगे। भाइयों और मित्रों, मामला तो शुरू हुआ पहले CAA से, नागरिकता संशोधन कानून से। नागरिकता संशोधन कानून की असलियत जब सामने आने लगी, इसके दुष्प्रभाव से खास करके यूनिवर्सिटी के छात्र अवगत हुए और उनके बीच आक्रोश दिखा। जामिया मिलिया दिल्ली के स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, पूरे देश भर के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जब दिखने लगे, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो बाद में आए। पहले तो छात्र यूनिवर्सिटीज के छात्र आए, आम जनता आने लगी, तब पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए। लेकिन जो स्थिति बन रही थी, उस स्थिति को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि शायद मामला उल्टा पड़ गया है, इसलिए उन्होंने बयान बदला। पहले NRC कहते थे, बाद में कहा कि NRC नहीं, हम तो NPR की बात कर रहे हैं, हम NPR करेंगे, NRC कहाँ कर रहे हैं। और CAA के पक्ष में तर्क देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान में दलितों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। उनकी यह बात सुनकर मुझको पता ही नहीं चलता है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। यदि हुक्मरान लोग नहीं सचेत होंगे तो फिर आगे आने वाले दिनों में लंबा समय नहीं है, उनको देश की जनता सचेत कर देगी। भाइयों और मित्रों, तू अपना कैमरा थोड़ा और अच्छा से कर, उसका सर। यह जो विषय है, जिस विषय पर आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यह लड़ाई देश की लड़ाई है। मैं सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए आपके बीच आ गया हूँ। इस लड़ाई में एक बात जो सबसे अधिक निश्चित है, वह है आपकी जीत। इस लड़ाई में जीत आपकी होनी है, तय है, इसमें कोई शंका नहीं है।
जब से यह मामला आया है देश के सामने, तब से हम सब लोग सीएए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ में लगे हुए हैं। इस बीच अनेक तरह के बयान आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, गृह मंत्री जी की ओर से, प्रधानमंत्री जी का नाम लेने में मुझको भी शर्म महसूस होता है। तो जैसा कि आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा, ऐसा नज़ारा मैं अपने ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, 4.5 साल तक हम उनके सरकार में मंत्री थे, मगर हमको शर्म आती है बोलने में कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और हम उनके सरकार में मंत्री थे। उन्होंने पीएम मोदी को सीधे सीधे यहाँ सब्जी बाग से टारगेट पे लिया, उन्होंने पीएम मोदी पे बहुत सारा निशाना किया, उन्होंने कहा कि वो मुद्दे से भटका रहे हैं। और भी छोटे बड़े खबरों के लिए आप जुड़े रहे लाइव सीरीज के साथ, और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।